नमस्कार। वास्तुशास्त्र में हमारे घर का प्रमुख द्वार बहुत महत्व रखता है। दिस इज लाइक आइडेंटिटी ऑफ योर हाउस और होम। जैसे हमारा फेस हमारा आइडेंटिटी है, वैसे ही कोई भी घर का जो प्रमुख द्वार है उसकी आइडेंटिटी है। जैसे हम हमारा फेस साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमेशा वास्तु का प्रमुख द्वार साफ सुथरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु शास्त्र में घर के या कोई मंदिर के या कोई ऑफिस के या फैक्ट्री कोई भी दरवाजा जो है वो दरवाजे के सामने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहने बहुत जरूरी है। उस प्रमुख प्रवेश द्वार से जब आप अंदर एंट्रेंस करते हैं तो उस समय देवों का देव जो है गणेश देवता, उनका आशीर्वाद मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अनुमति लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आप किसी मंदिर में जाइए या पुराने घर भी देखिए आप, तो गणपति की फ्रेम या फोटो या कोई स्कल्पचर कोई ना कोई 100% उधर रहता ही है। तो गणपति को वो मान भी है और सम्मान भी है। ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने जो वास्तु शास्त्र में अलग अलग 24 प्रोडक्ट का डिजाइन किया है और उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली मिनिस्ट्री कॉपीराइट किया है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें मेरा एक प्रमुख प्रोडक्ट जो है जो गायत्री मंत्र के ऊपर आधारित है तो ये है गणपति माथा पट्टी, गणेश देवता की ई फ्रेम। ये फ्रेम में गणपति ऋग्वेद ने जैसा वर्णन किया है उसके तरह ही रक्तवर्णी गणपति है और त्रिनेत्र गणपति है। गणपति को 3 आंख है, 2 आंख नहीं है। आरती भी होती है तो सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनेना त्रिनेना ये वर्ड उधर आता है। So that's why this third eyes। और दोनों साइड में 2 अलग अलग यंत्र है। एक यंत्र, दोनों भी यंत्र एक एनर्जी दर दोनों भी यंत्र एक पॉजिटिव एनर्जी दरवाजे के सामने इमिट करते हैं, ऊर्जा का स्रोत है। 15 या 20 फीट तक उस एनर्जी को आप देख सकते हो बाय फोटोग्राफी, इंडियन फोटोग्राफ से देख सकते हो। बायोफील्ड एनालिसिस इसका मैंने लंदन में किया है सभी प्रोडक्ट का। तो एक जो यंत्र है वो निगेटिव एनर्जी को घर के बाहर ही रोक देती है और दूसरी जो यंत्र है वो यंत्र से जो एनर्जी इमिट होती है उससे पॉजिटिव एनर्जी पूरी की पूरी आपके दरवाजे के सामने क्रिएट होती है। अलोंग विद दिस गॉड इज देयर हियर, उसके साथ मंत्र भी ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र भी इधर मैंने स्कैन किया है। तो वास्तुशास्त्र के रूल के अनुसार दरवाजे के सामने जब आप जाओगे तभी गणपति का एग्जिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रथम प्रोडक्ट मेरा तत्व विघ्नहरा, ये प्रोडक्ट आप आपने दरवाजे के ऊपर लगाइए क्योंकि ये त्रिनेत्र गणपति है, उसके साथ उसका मंत्र भी है ओम गंग गणपतये नमः। और इसकी वजह से जब आप घर में आओगे जाओगे तभी आपको वो जो मंत्र है आपको ऑटोमेटिकली आंखों से आप उसको स्कैन करोगे तो अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली आप उस भगवान का नाम अल्टीमेटली मन में आप लोगे वो भी सबकॉन्शियसली, एंड दैट इफेक्ट्स मोर, उसका इफेक्ट तो 100% आएगा ही आएगा। कोई भी घर का काम अच्छी तरह से होना चाहिए, कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए, मंगल कार्य घर में होना चाहिए, इसके लिए गणपति का दरवाजे के ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चित्र के समान भी अनेक जगह पे हमको दिखाई देता है या कोई टाइल्स में भी आप गणपति देख सकते हो, तो उसमें आप पूरी तरह उसका रख रखाव नहीं किया रहेगा तो अल्टीमेटली वो मिट जाता है या थोड़ा पोच जाता है या क्लीन करते करते वो कई दिन के बाद थोड़ा खराब हो जाता है। तो ऐसे टाइल्स या ऐसे कोई चित्र दरवाजे के ऊपर लगा के उसका निगेटिव इफेक्ट आपके घर पर होना नहीं चाहिए। That's why
तो जो प्रोडक्ट है वो पाइन वुड में बनाया है, 100-200 साल कुछ नहीं होता, पानी भी लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक ऑपरेटेड भी है। सो आपके घर के सामने हमेशा एनर्जी अच्छी रहनी चाहिए और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर के सामने हमेशा रहना चाहिए। इसके लिए ये वास्तु प्रोडक्ट आप लगाइए। ऑल ओवर वर्ल्ड में 21 कंट्री में मेरा ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है और इसका 101% पॉजिटिव इफेक्ट भी विद इन 2 मंथ्स आपको दिखाई देगा। आपके अलग अलग काम अच्छी तरह से होना चालू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी घर में आ जाएगी और यू कैन फील अ डिफरेंस आफ्टर फिक्सिंग दिस प्रोडक्ट एट योर होम। तो धन्यवाद, आज मैंने गणपति माता पट्टी के बारे में आपको जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको विष्णु जी की प्रतिमा जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वास्तुशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों लगाना चाहिए और उससे लक्ष्मी माता घर में कैसे आती है 100% बोलूंगा। तो आप मेरा चैनल पंडित शुमार 124 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको मैक्सिमम शेयर भी कीजिए। तब तक धन्यवाद।